हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगी कंसार कैसे बनाते हैं। गेहूं का जाड़ा आटा ले लीजिए। मैंने 2 बाउल आटा लिया है। दो बाउल आटा और 1 चम्मच जितना गुड़ लिया है, और जो आटा है उसके अंदर मैं 2 या 3 चम्मच जितना घी डालूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी आटे में, ताकि जब हम कंसार बनाएं तो कंसार अच्छे से बने। अभी एक तपेली के अंदर गुड़ डाल वो जो 1 चम्मच जितना गुड़ लिया था वो डालूंगी। और मैंने 2 बाउल आटा लिया है, तो मैं 2 और 1 का आधा बाउल पानी लूँगी उसके सामने, और उसको अच्छे से उबाल लूँगी। और 1 चम्मच घी भी डालने का अंदर, और गुड़ जो है वो उसको अच्छी तरह से उसको पानी के अंदर मिक्स कर दीजिएगा। और पानी अच्छी तरह से उबल रहा हुआ हो तो उसी टाइम पे आप आटे को डालिएगा, ताकि आटा कच्चा ना रहे कंसा। अभी अच्छी तरह से जब पानी उबल जाएगा, अभी ये जो पानी है अभी अच्छी तरह से उबल चुका है, अभी मैं उसके अंदर आटा डालूंगी और बेलन की मदद से इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और उसके बाद जो तवी रोटी बनाने की तवी रहती है उसके ऊपर ये तपेली को रख दीजिएगा ढक के, और 15 मिनट तक उसको पकाइएगा। लेकिन 15 मिनट के पकाते वक्त बीच बीच में 2-3 बार उसको अच्छे से हिलाते रहिएगा। जैसे जैसे वो पकता जाएगा वैसे वैसे ये ड्राई होता जाएगा, मतलब पानी पूरा सूखने लगेगा और ये जो कंसार जो है वो अच्छे से पक जाएगा। अभी मैं वापस से इसको चेक कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हो थोड़ा धीरे धीरे ये पक चुका है थोड़ा। अभी देखिए, देख सकते हैं आप अच्छे से ड्राई होने लगा है। अभी इसके इसके अंदर आप शक्कर और घी डाल के अच्छे से मिक्स करके आप खा सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।